24R न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजस्थान में श्री गंगानगर के गज सिंहपुर कस्बे के स्थानीय रेल संघर्ष समिति द्वारा बुधवार को स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार को रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम ग्रामीणों को हो रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्थानीय रेलवे स्टेशन की समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। रेल संघर्ष समिति के सचिव जगदीश यादव ने बताया कि गज सिंहपुर कस्बा, जो कि आसपास की सीमा पर्वत गांव व शहरों से जुड़ा घनी आबादी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र से पूर्व की ओर मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित समीपवर्ती शहरी क्षेत्र पदमपुर है, जिसमें रेल लाइन ना होने के कारण पदमपुर वासियों को भी गज सिंहपुर से रेल की सुविधाओं का सहयोग लेना पड़ता है, जिस कारण गज सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री भार अधिक रहता है। इस रेलवे स्टेशन पर सभी सुविधाओं का अभाव है। निराकरण के लिए पूर्व में भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसके मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण व आधुनिकरण करके प्लेटफार्म नंबर 2 को निर्धारित ऊंचाइयों व ऊंचा करने व रेलवे स्टेशन जो कि बदतर हालात में हैं उनमें सुधार करने तथा प्लेटफार्म फर्श पर भी जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है तथा भविष्य में भी अप्रिय घटना हो सकती है। आज हम रेल संघर्ष समिति गसिमपुर के तत्वाधान में माननीय पीयूष मंत्री जी, पीयूष गोयल जी जो रेल मंत्री हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं रेलवे अधीक्षक के माध्यम से कि गज सिंहपुर के लिए रेलवे की कोई सुविधा नहीं है, ना तो यहाँ पर प्लेटफार्म की ऊंचाई सही तरीके से है, ना ही यहाँ के जो सुविधाएं पूर्ण रूप से हैं, और सबसे बड़ी बात है ओवरब्रिज की डिमांड जो स्कूल के लिए हम करते आ रहे हैं उसके लिए भी ना हमारे माननीय पार्लियामेंट के मेंबर हैं जो निहाल चंद जी, उन्होंने कभी हमारी सुनवाई की है, ना गज सिंहपुर को कोई लंबी दूरी की रेल मिल रही है। यहाँ पे सिर्फ हमें स्थानीय लोकल लेवल की ट्रेन सी मिलती है, लंबी दूरी की रेल सिर्फ एक ही है जो कि दिल्ली से यहाँ तक आती है, और उसके अलावा जो नांदेड़ साहब की है, कोचीवली की है, उसकी हम कम मांग करते आ रहे हैं, अतिरिक्त डिब्बों की मांग करते आ रहे हैं, ओवरब्रिज की मांग करते आ रहे हैं, रेलवे प्लेटफार्म की ऊंचाई की मांग करते रहे हैं, इसके लिए कोई भी हमारी सुनवाई नहीं है। हम इस पत्र के माध्यम से रेल मंत्री श्री पीयूष जी गोयल जी को ये भेज रहे हैं कि वो हमारी सुनवाई करें, अन्यथा हमें आंदोलनात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी।